औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद सैन, तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। आज की हमारी वीडियो है पित्त की पथरी के बारे में, गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। जिन मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरी बहनों को पित्त के अंदर पथरी हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है कि पित्त के अंदर जो पथरी बन जाती है, इसकी वजह से हमारा जिस्म बहुत मुतासर होता है, निज़ाम हज़म डिस्टर्ब हो जाता है, जिस्म बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाता है, मैदा काम करना छोड़ देता है, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो जाता है। और पित्त की पथरी की अलामत होती हैं कि हमारे जो जिगर होता है, इसके बिल्कुल साथ होता है पित्ता। पित्त के अंदर जब पथरी बन जाती है तो इसकी रतूबत जो निकलती है, जो निज़ाम अनहजाम में मदद देती है, जो निज़ाम हाजमा में इसका करदार है मेरे भाइयों, तो ये पथरी वो रास्ता बंद कर देती है। तो इस वजह से पित्ता फूलना शुरू हो जाता है, पित्त के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है, पित्त के अंदर वर्म आ जाता है, जिससे हमारा बॉडी का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है, जिस्म में शदीद दर्द होने लगती है और जिगर की पॉइंट, जिगर वाले पॉइंट पर शदीद दर्द होती है और ऊपर कंधों तक जाती है। इस कदर शदीद दर्द होती है कि बाज़ अवक़ात मरीज़ों को इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं डिक्लोरान के। मेरे भाइयों, जो इस कदर ख़तरनाक और मुहलक बीमारी है, कुछ मरीज़ों की तो पित्त की पथरी की वजह से उन्हें पित्त को निकलवाना पड़ता है, तो फिर ही उनको अफाका आता है। आज पित्त की पथरी के लिए एक बेहतरीन नुस्खा बताऊँगा मेरा भाई, जो मेरा दोस्त इसको इस्तेमाल करेंगे और किसी भी मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे जिनको पित्त के अंदर पथरियाँ हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक के करम व फजल से इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह पाक उनको अफाका अता फरमाएंगे। नुस्खा नोट फरमा लें मेरे भाइयों, 5-6 चीज़ें हैं सिर्फ। नंबर 1 पर है सोंड लेनी है अपने 25 ग्राम, नंबर 2 पर राई लेनी है 25 ग्राम, नंबर 3 पर है निशादर ठिकरी लेना है 25 ग्राम, और नंबर 4 पर है काली मिर्च लेनी है आपने 25 ग्राम, और नंबर 5 पर काला नमक है लेना है 25 ग्राम, और नंबर 6 पर है फड़कड़ी लेनी है। फड़कड़ी को आपने फुला कर लेना है, ब्रीक पाउडर बना लें। इन तमाम चीज़ों को साफ़ करने के बाद ब्रीक पाउडर बना लें, और इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि चम्मच का चौथाई हिस्सा आपने सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करना है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह 4 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर ही अल्लाह पाक के करम व फजल से पित्त की पथरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह पाक आपको शफा अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।